या वीडियो ऑन करो, संकल्प भगवान कीजिए। देखिए नेक्स्ट के अबाउट डिविजिबिलिटी भाई, हम लोग कितना तक, हम लोग डिविजिबिलिटी भाई 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लिए। आप लोग के मन में डाउट होगा सर, हाँ आप लोग के मन में डाउट होगा सर, डिविजिबिलिटी भाई 6 क्यों नहीं पढ़ाए, तो बाबू डिविजिबिलिटी भाई 1 से क्यों नहीं पढ़ाए, है ना। हमने डिविजिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट किया बाबू, 2 से डिवाइड हो जाएगा इसीलिए। हाँ बाबू, हाँ वो तो वन ऐसा एक नंबर है वो जो सारे नंबर को डिवाइड करता है। वन एक ऐसा नंबर है वो जो सारे नंबर को डिवाइड करेगा। 10 भी रहेगा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1000 रहेगा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 रहेगा 1 से डिवाइड, कोई भी नंबर ले लो 1 सारे से डिवाइड होता है। तो जो नंबर सारे से डिवाइड हो जाए तो उसका कोई रूल नहीं होता है ना, वो कोई बाबू सारा नंबर कोई भी नंबर वो सारे से डिवाइड हो जाएगा तो उसका क्या रूल रहेगा, कोई रूल नहीं रहेगा। इसीलिए हमने कहाँ से, हाँ सर, तो प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो 1, 0 और खुद से डिवाइड हो। आप कौन सा ये चैनल पकड़ ले बाबू, हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे हैं, प्राइम नंबर में कहाँ घुस गए। सर प्राइम नंबर बताए थे ना, तो ये भी प्राइम नंबर में ही आएगा मेरे लाल। हम आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे हैं बाबू, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे हैं, 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ऐसे करके, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, वीडियो ऑन करो ना बाबू, सानवी ऑन कीजिए ना बाबू, चिया बाबू ऑन कीजिए, चिया अभी देखो बाबू, वो जो 3 से क्लास, 3 to 4 PM क्लास बाबू, वो एंजॉय पर्पस के लिए, ठीक है ना, इसमें सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, है ना, वो सिर्फ इसी तरह से टाइम पास के लिए वो क्लास है, बच्चे सब है तो उसमें टाइम पास कर करके ही पढ़ाया जाता। हाँ हम लोग डिविजिबिलिटी वाई क्या पढ़ेंगे बाबू, 6 पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी वाई नेक्स्ट। क्या बाबू, वो पढ़ने के लिए है ही नहीं वो बैच, नहीं पढ़ने को उसमें बच्चा बाबू 1-2 क्लास का बच्चा तो उसमें उसी तरह से पढ़ने के लिए है ना बाबू, लेकिन नर्सरी में कैसे जाता बच्चा, तो नर्सरी में क्या होता है, प्लेइंग कर करके टॉपिक खिला खिला कर पढ़ाया जाता है, इसी तरह से उसमें होते हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू, डिविजिबिलिटी वाई बाबू 6, डिविजिबिलिटी वाई हम लोग 6 पढ़ेंगे, है ना, शांति से समझना है, ठीक है। तो कोई भी नंबर बाबू, कोई भी नंबर बाबू 6 से डिविजिबल है कि नहीं है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, शांति से समझना है, कोई भी नंबर बाबू 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। म्यूट करो तनु, वीडियो ऑन करो, म्यूट करो बाबू। देखो बाबू, कोई भी नंबर है सर, कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल 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 नंबर 1 बाबू, जैसे बाबू क्या 1, 2 है, ठीक है। अब ये इसको हमको देखना सर, 6 से डिवाइड होता नहीं है, होता है कि नहीं होता, तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए बाबू आपको चेक करना पड़ेगा और कोई भी नंबर बाबू 2 से या 3 से, ठीक है तनो, कोई भी नंबर होगा 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा तो उसको पहले आपको 2 से चेक करना पड़ेगा, 3 से चेक करना पड़ेगा। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो दिया गया नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा, ठीक। दो में दोनों से डिवाइड होना चाहिए, एक से डिवाइड रहेगा तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 12 है तो 12 है बाबू, 12 है मेरे बाबू, 12 है तो 12 मेरा 2 से डिवाइड होता है ना, 2 है ना बाबू, 2 के 12 12 आता है कि नहीं आता, हाँ सर, ठीक बाबू, ये बाबू 12 है तो 3 से डिवाइड होता है ना, 3 के 12 12 आता है ना, हाँ सर, तो ये दोनों से डिवाइड अगर हो रहा है, वो दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग कहेंगे ये जो नंबर है वो क्या है, 6 से क्या है, डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, मन से पढ़ना, पहले समझना उसके बाद लिखाएंगे, अभी लिखना नहीं, अभी खाली समझना है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, जैसे 14 है, ठीक है, तो 14 है बाबू, तो हम लोग 14 देखेंगे, 2 से 14 डिवाइड, 2 के टेबल में 14 आता है, हाँ सर आता है, 2 7 14, 3 के टेबल में 14 आता है, 3 के टेबल में कभी 14 आएगा नहीं, पढ़ते रहो कभी नहीं आएगा, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यह जो नंबर है बाबू, यह जो नंबर है बाबू 6 से डिविजिबल नहीं होगा, आपको दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी 3 से भी, दो में एगो से डिवाइड हो रहा है, एगो से नहीं डिवाइड होगा तो वह नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे बाबू 3 नंबर, थर्ड नंबर, समझना, हाँ ठीक है, थर्ड नंबर समझो, फिर इसमें हम लोग आगे बड़ा बड़ा करेंगे क्वेश्चन। जैसे 15 है, ठीक है, 15 है तो 15 बाबू 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल का नियम आपको याद रहना चाहिए, यूनिट प्लस तो क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होने वाला नंबर होना चाहिए, तो 5 है यूनिट प्लस, तो 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है सर, ठीक। 15 3 से डिवाइड होगा, कैसे करेंगे सर, 5 + 1 = 6, 3 से डिविजिबिलिटी रूल का नियम क्या सर, इसको यूनिट डिजिट को ऐड करो तो 5 + 1 = 6 हो गया, 6 मेरा 3 के टेबल में आता है ना, हाँ सर, तो ये 3 से डिवाइड होता है ना, तो ये बाबू दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड नहीं ना, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। आपको हमने 3 एग्जांपल लिया बेसिक, इसमें क्या किया, दोनों से डिवाइड किया, इसमें 3 वाला डिवाइड वाला, 3 से डिवाइड नहीं होने वाला नंबर लिया, अभी 2 से डिवाइड होने वाला नंबर लिया, है ना, फिर 2 से डिवाइड। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कौन ले सकते हैं,
मान लो 17 ले लो, 17 ले लो, है ना, 17 ले लो, है ना, ठीक है। ये दोनों से नहीं है। हाँ तो देख, दो से डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, वो यूनिट नहीं है। हाँ दो से भी नहीं है सर, 17 वन प्लस सेवन कर दो, ये भी नहीं बाबू, थ्री से भी नहीं है, ना थ्री से भी नहीं है, है ना, थ्री से भी नहीं है, ठीक है। तो जो नंबर है बाबू, उस सिक्स से भी डिविजिबल नहीं होगा। सिक्स से डिविजिबिलिटी रूल का नियम क्या कहता है सर, कोई भी नंबर बाबू सिक्स से तभी डिविजिबल होगा, तभी डिविजिबल होगा वो, जब वो क्या होगा, टू से भी डिविजिबल होना चाहिए, थ्री से, दोनों से होना चाहिए, एगो से होगा डिविजिबल, एगो से नहीं है, अगर थ्री से नहीं है तो नंबर सिक्स से डिविजिबल नहीं होगा। मान लो टू से नहीं है, थ्री से है, तो भी फिर भी वो सिक्स से डिविजिबल नहीं होगा, सिक्स से डिविजिबल नहीं होगा, है ना बाबू, सिक्स से डिविजिबल नहीं होगा, है ना, ठीक बाबू, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते, थोड़ा सा लिख, थोड़ा सा डिफाइन कर देते, थोड़ा सा डिफाइन कर देते, उसके बाद इंक डालना, ठीक बाबू। हम लोग क्या लिखे बाबू, है ना, इफ द नंबर बाबू, हाँ लिखे, इफ द नंबर बाबू, इफ द नंबर इज, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय टू एंड थ्री बोथ, if the number is divided by 2 and 3 both, then the given number is divisible by 6. काय सिवानी, वीडियो का बंद हो गया, संकल्प बाबू वीडियो का बंद हो गया, इसको फेयर करते चलना चाहिए बाबू, इसको दूसरे फेयर में लिखना कि जहां से मेरे कंप्लीट हो गए एडिशन, हां जहां से कंप्लीट हुआ उसी में कंटिन्यू करते चलो, तो खत्म हो जाएगा तो शायद तो हमें नेक्स्ट फेयर में लिखना पड़ेगा ना, खत्म होगा तो अगला नया कॉपी खरीदिए। गुड इवनिंग सर, काय से तुम लेट से काय आते बाबू, सर ये मेरा जूम ऐप अपडेट नहीं था तो इनकरेक्ट पासवर्ड, स्पॉटलाइट कीजिएगा, यस सर स्पॉटलाइट कीजिए, ठीक है बाबू, तेज मत कीजिएगा प्लीज, लिखे बाबू सत्या, समझ में आ गया चिया कि नहीं है बाबू, सर आगे मेरे को तो मैंने आपको कल ही बता दी, तो मेरे को तो आता था पहले से कि जो टू और थ्री से होता है वो सिक्स होता है ना, कल भी आपसे कहते सिक्स के डिविजिबल बाय सिक्स का होमवर्क दे दीजिए, आपने दे दिया था तब, सारे बच्चे को लिखना, तो लिखो समझ में आया नामिका, नामिका बाबू समझे कि नहीं समझे, यस सर डन सर, सर रुक जाइए ना सर, कंप्लीट, वेरी गुड बाबू, कल आप लोग का बाबू शाम को 7 बजे पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ठीक है ना, हाँ सर, यस सर, है ना, आपको भी आना, आपके पेरेंट्स को भी आना बाबू, है ना, क्या क्या आप लोग पढ़े हो नहीं पढ़े हो, और कर लेना बाबू लिसा, क्या दिक्कत है, पापा जी को बोल दीजिएगा, है ना, परफॉर्मेंस बाबू परफॉर्मेंस जरूर, कोई ना होगा, अरे शैतान सैटरडे तो आज है ना बाबू, आज तो टेस्ट भी लेना था, शैतान पढ़ा रहे हैं बाबू, हाँ सर ध्यान है ना, सर आपका परसों लीजिए, अच्छा ठीक, लिख लीजिए ब्लैक पेन से मेरा कैसा हैंडराइटिंग है, अच्छा ठीक है बाबू शिवानी, है ना बाबू, क्योंकि कल बाबू शाम को इवनिंग में 7 बजे से पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, आप लोग
सर परसों आप वो टेस्ट रख रहे हैं। सर मैं अभी हेडिंग लिख रहा हूँ सर। क्या संकल्प? सर तो सर अभी आधा घंटा नहीं, आधा घंटा में क्वेश्चन लिखने में लग जाता। सर अभी मैं एग्जांपल ही लिखता हूँ। जल्दी लिख, जल्दी देख लीजिए मेरा सर। सर अभी मैं चलो ठीक है सिवानी, अभी नया पेन है बाबू, लाइट है, जब पुराना हो जाएगा तो डीप हो जाएगा। ठीक है सिवानी, ठीक है बाबू। बाबू देखो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में स्कूल में जाते तो क्या होता है, ऐसे टाइम पास होता है, लेकिन यहाँ टाइम पास नहीं होगा। यहाँ बाबू क्या कमी है नहीं है तो ये हमेशा हल्का ही होता है। अच्छा ठीक है, क्या कम स्कूल में भी होता है सतर। देखो तो नो सर वेनस, देखो तो सर तो उसमें ना वर्क बस देखा जाता है कि किस बच्चे का कंप्लीट है, कितना कितना हुआ है वो बस देखा जाता है, और बाकी कितना याद कर रहा है, कितना पढ़ा है, वो कुछ भी नहीं। हम लोग तो सारा चीज देखेंगे, सारे का अटेंडेंस मेंटेनेंस होगा। सर आप सब कुछ चेक करिएगा, फेयर पढ़ने में कैसा है। हाँ बाबू, आपको बाबू पूरे इंडिया में नंबर वन स्टूडेंट बनना है, पूरे इंडिया में, ठीक है ना। छोटा रहो कोई भी क्लास का फेमस स्कूल कौन है आप तो यही बाबू साल में मैट्रिक पास कर देना है। हाँ बाबू चलो ठीक है। कौन क्लास में उसी बार नहीं, फाइव में गए बाबू कि फोर में? सर फाइव में गए इस बार। तो और आप, आपके फ्रेंड सब बाबू क्या करते हो, सब पढ़ने में कैसी सब? सर हमसे तो आगे नहीं है। आपसे आगे नहीं है बाबू? नो सर। हाँ बाबू सर मेरा भी फोर फ्रेंड है, उसमें से बस एक ही आगे है। कैसे आ गए संकल्प आपसे? सर आगे बढ़ गए, मैथ में सबसे अच्छा आता है। और फिर भी आई हैव डन। ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो ठीक है बातें खत्म करो। फिफ्थ नंबर हाँ बाबू, फिफ्थ नंबर, फोर नंबर हुआ ना, फिफ्थ नंबर हम लोग करेंगे। देखो बाबू सिक्स से शांति से पढ़ना, शांति से हल्ला नहीं करना। सिक्स से डिविजिबिलिटी रूल का नियम क्या कहता है बाबू, जो टू से डिवाइड हो थ्री से डिवाइड हो, है ना। सर आप तो अभी कितने क्वेश्चन लिखवा चुके हैं बताइए ना। अरे नहीं लिखवा, यही चार था बाबू, फर्स्ट पेज था। ठीक है, जो बाबू टू से डिवाइड हो और थ्री से डिवाइड हो वही नंबर मेरा क्या होगा, सिक्स से डिविजिबल होगा, सिक्स से डिविजिबल होगा, है ना, सिक्स से डिविजिबल होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। बाबू म्यूट करो। सानवी बाबू वीडियो का बंद है, सानवी चलो ठीक है बाबू। देखो हम लोग सिक्स से डिविजिबिलिटी पढ़े, अब सिक्स से पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, सिक्स से डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ना है। ठीक, अब बाबू इतना बड़ा नंबर दे दे सर तो हमको क्या होगा, डर लगेगा, डरना नहीं। जैसे नाइन सिक्स फाइव फोर थ्री है ना, ठीक, और लास्ट में क्या है सर टू, लास्ट में बाबू कितना, लास्ट मान लो वो जीरो है। अब ये नंबर बाबू सिक्स से डिविजिबल होगा कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो सिंपली क्या करना है ना बाबू, अगर बाबू सिक्स से डिविजिबिलिटी चेक करना तो आपको दो से देखना होगा, थ्री से देखना होगा। ठीक, अगर दो से डिवाइड हो रहा है थ्री से डिवाइड हो रहा है तो सिक्स से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो दो से डिविजिबिलिटी रूल का नियम क्या कहता है सर, लास्ट डिजिट हम लोग देखेंगे। टू से डिविजिबिलिटी रूल का नियम क्या कहता है सर, लास्ट डिजिट देखें तो लास्ट डिजिट पे जीरो रहेगा, दो से डिवाइड होने वाला नंबर है तो दिया गया नंबर क्या होगा, दो से डिविजिबल होगा। तो यूनिट प्लस पे क्या टू है ना बाबू, तो ये क्या होगा, दो से डिविजिबल होगा। थ्री से डिविजिबिलिटी रूल का क्या नियम कहता है सर, ये डिविजिबल है सिक्स से। अच्छा ठीक है, अभी चेक करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, थ्री से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है सर, हर एक डिजिट को देखो, है ना बाबू। अच्छा ठीक है, शांति से देखिए, हाँ या नहीं है जय। थ्री से डिजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे सर, हर एक डिजिट को बताए थे ना बाबू, नाइन थ्री से होता है, हाँ सर, फाइव को कट करो, सिक्स होता है, हाँ सर, फोर को, अच्छा ठीक है तनु, फाइव होता है, नहीं होता सर, तो इसका आगे वाला ऐड करो, तो फाइव प्लस फोर नाइन, ये हो जाएगा, हाँ सर, थ्री होता है, हाँ सर, और जीरो तो बाबू होता है ना बाबू, जीरो तो रहे चाहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है।
तो ये बाबू कोई नंबर इसमें बचा नहीं ना बचा, तो ये नंबर क्या थ्री से डिविजिबल है ना बाबू। तो जब ये नंबर बाबू टू से भी डिविजिबल है, थ्री से भी डिविजिबल है, तो सिक्स से क्या होगा डिविजिबल होगा, सिक्स से क्या होगा डिविजिबल होगा, सिक्स से क्या होगा डिविजिबल होगा ना, सिक्स से डिविजिबल होगा ना, सिक्स से डिविजिबल होगा, ठीक, सिक्स से क्या होगा वो डिविजिबल होगा है ना। लिखना नहीं अभी समझ, क्या कहते हैं क्या सर, तो स्कूल वाला मेथड में क्या होता है? स्कूल वाला मेथड में टाइम लगता है सर, हमारे में भी ऐसे ही चलता है जैसे आप सिखा रहे हो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू क्या बाबू, डबल नाइन बाबू, डबल सिक्स बाबू, डबल फोर बाबू है ना, वन है बाबू है ना, वन हो गया बाबू ठीक है सर, सेवन हो गया बाबू, टू हो गया बाबू, सिक्स हो गया, थ्री हो गया है ना बाबू, और यहाँ से कितना ले लो फोर ले लो है ना बाबू, थ्री थ्री टू ले लो, तीन दो तीन तीन छो और थ्री जीरो ले लो, ठीक ठीक है बाबू ठीक। तो ये नंबर वो इतना बड़ा नंबर है सर, ये थ्री से अब सिक्स से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल सा देखो, हम लोग थ्री से डिविजिबिलिटी चेक करना है ना बाबू, ठीक है, तो पहले दो से देखेंगे उसके बाद क्या करेंगे थ्री से देखेंगे, तो यूनिट प्लेस पे क्या बाबू जीरो है, तो जब भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे जीरो रहता है तो वो दो से क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक बाबू दो से होगा, थ्री से होगा कि नहीं होगा सर, तो थ्री से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, तो नाइन नाइन डबल सिक्स डबल फोर है ना बाबू, वन सेवन टू सिक्स डबल थ्री जीरो है, अब ये थ्री से डिविजिबल होगा कि नहीं तो हम लोग कैसे चेक करें, देखो नाइन होता है थ्री से एक डिजिट, हर एक डिजिट को ये नाइन होता है हाँ सर, सिक्स भी होता है हाँ सर, फोर भी होता है हाँ सर, फोर होता है नहीं होता, अच्छा ठीक है फोर नहीं होता, तो आगे वाला फोर को ऐड करो, फोर प्लस फोर कितना एट, नहीं हुआ तो आगे वाला को ये तीनों को पेयर बना के कितना होगा, हाँ ये हो जाएगा सेवन, अच्छा सेवन नहीं है तो सेवन के आगे टू ऐड करो हो गया सर, सिक्स भी होता है सर, थ्री भी होता है, जीरो भी होता है, ये भी होता है, तो ये भी क्या होगा थ्री से डिविजिबल है, तो दिया गया नंबर क्या होगा सिक्स से क्या होगा डिविजिबल होगा, सिक्स से क्या होगा डिविजिबल होगा, सेवन नंबर है ना। आप लोग स्कूल में इतना बड़ा पूछोगे ना तो स्टूडेंट सब सोचते रह जाएगा, सोचते रह जाएगा है ना, सोचते रह जाएगा, लेकिन सोचना नहीं है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू अपना कैलकुलेशन से मैं आपको जल्दी जल्दी बता देंगे, हाँ बाबू सेवन टू ठीक, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू सेवन टू बाबू नाइन सिक्स फाइव फोर थ्री सेवन वन फाइव टू फोर, कितना बड़ा नंबर आ गया सर, अब ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा सर, हमको डर लग रहा है, डर लग रहा है, डरना नहीं है बाबू, डरना नहीं है, कैसे तो मैं आराम से एंजॉय कर करके पढ़ना, पहले हम लोग टू से देखें डिविजिबिलिटी और थ्री से देखेंगे, तो टू से बाबू यूनिट प्लस पे क्या सर फोर है, टू से डिविजिबिलिटी हम लोग क्या करेंगे यूनिट डिजिट वाला नंबर देखेंगे, यूनिट डिजिट वाला नंबर अगर दो से डिवाइड हो रहा है तो दिया गया नंबर दो से डिवाइड होगा तो फोर होता है ना, हाँ सर, अब थ्री से सर इतना बड़ा सर, तो थ्री से कैसे चेक करेंगे, तो इसको थ्री से कैसे चेक करो, क्या नंबर है डबल टू डबल फोर सेवन टू नाइन सिक्स फाइव फोर थ्री सेवन वन फाइव टू है फोर है, थ्री से कैसे चेक करेंगे, देखो देखो कैसे कर, टू होता है नहीं होता तो अगला ऐड करो, टू प्लस टू फोर होता है नहीं होता, फोर प्लस फोर एट हुआ नहीं हुआ, एट प्लस फोर ट्वेल्व है ना, हाँ सर, तो ये चारों मिलके बाबू थ्री से डिविजन हो गया कि नहीं हो गया, सेवन होता है नहीं होता तो आगे वाला ऐड करो, सेवन प्लस टू कितना होगा नाइन होगा, तो नाइन तो थ्री से होता ही है, हाँ सर ये नाइन होता है, सिक्स भी होता है, फाइव फोर भी होता है, थ्री भी होता है, सेवन नहीं होता, आगे वाला ऐड करो एट हो गया है ना, रहने दो है ना बाबू, एट हो गया ठीक, यहाँ बाबू देखो वन प्लस फाइव ये दोनों सिक्स हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा, अब फोर प्लस टू सेवन हो जाए, फोर प्लस टू सिक्स ये भी हो जाएगा, तो सेवन बच गया ना, सेवन तो बच गया नहीं ना, कटा नहीं कटा नहीं कटा, आपको बाबू जोड़ जाड़ के थ्री से काटना है ना, जोड़ जाड़ के थ्री से काटना है, तो सिंगल सिंगल डिजिट काटते चलो बस, सीधा सी बार थ्री बच गया तो ये थ्री से डिविजिबल नहीं है, तो ये बाबू सिक्स से डिविजिबल नहीं होगा है ना, जो नंबर बाबू टू थ्री से डिविजिबल होगा वही क्या होगा सिक्स से डिविजिबल होगा, सिक्स से डिविजिबल होगा, कितना आसान, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं ना, उसके बाद बाबू हम लोग सेवन से पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल वाइज सेवन पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट बाबू डबल नाइन सर, डबल सिक्स सर, डबल थ्री सर, डबल फोर सर है ना, ठीक है सर, और डबल टू सर, जीरो सर, सिक्स सर, थ्री सर, फाइव सर, फोर सर, टू सर, सेवन सर, और सर फोर सर सिक्स सर, इतना बड़ा आ गया सर, अब हमको प्यास लग गया, हाँ बाबू इतना बड़ा आ गया, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे करेंगे टू थ्री से, हम लोग सिक्स से हो जाता है सर, हाँ बाबू हम लोग पहले टू से देखेंगे डिविजिबिलिटी, तो दो से कैसे चेक करेंगे,
यूनिट प्लस वाला क्या है, सिक्स है, सिक्स में दो से होता है ना, मम्मी पढ़ाई ना, हाँ सर मम्मी तो पढ़ाई है, तो ये हो जाएगा, थ्री से होगा कि नहीं होगा। तो हर एक डिजिट को बाबू देखो कैंसिल आउट करो, डबल नाइन डबल सिक्स सर, डबल थ्री सर, डबल फोर सर, डबल टू सर, डबल जीरो सिक्स, थ्री फाइव फोर टू सेवन फोर सिक्स, यही है ना बाबू। अब हर एक डिजिट को देखो कैंसिल आउट करो, नाइन होता हाँ सर, नाइन होता हाँ सर, सिक्स होता हाँ सर, सिक्स होता हाँ सर, थ्री होता हाँ सर, थ्री होता हाँ सर, फोर नहीं होता। तो आगे वाला को थोड़ा ऐड करो, फोर प्लस फोर एट है ना, आई ये तीनों चारों को ऐड करोगे ना तो ट्वेल्व हो जाएगा, फोर फोर एट आई फोर ट्वेल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये जीरो जीरो तो होबे करेगा, थ्री सिक्स होगा, थ्री होगा, फाइव प्लस फोर नाइन होता है, सो टू प्लस सेवन नाइन होता है, आई ये सिक्स होता है, फोर बेचारा बच गया, बच गया तो बच गया तो नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये सिक्स से डिविजिबल नहीं होगा, राइट डाउन करो। अब हम लोग सेवन वाला पढ़ेंगे, लिखे सारे बच्चे लिखे, समझ गए सपना, अगर दोनों में से कोई नहीं रहेगा किसी को नहीं करना है बाबू, दोनों से डिवाइड होगा तभी सिक्स से डिविजिबल होगा, लिख समझा निकू? यस सर। हाँ बाबू, तो कल सात बजे पीटीएम है निकू बाबू, तैयार रहिएगा पिटाने के लिए। सर मेरा हो गया पहले ही, बहुत पीटेंगे बाबू तन्नो, पहले समझ समझने का ही समझ, बहुत लेट लिखती हूँ ना इसलिए। हाँ तो समझोगी कब? सर मैं तो समझ जाती है ये सारा, मेरे को आता है। वाला नहीं हट रहा, नीचे उसका आंसर लिख सकते हैं? हाँ नीचे लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए। संकल्प बाबू वीडियो का बंद है सर, क्योंकि ये सारा मैम ने भी हमें पढ़ाया, इतने बड़े बड़े नंबर से करना, इतने बड़े बड़े से मैम कहाँ पढ़ा देंगे बाबू स्कूल में, नहीं सर छोटे छोटे से तो ऐसे ही, मेरे को बड़ा बड़ा नंबर से भी पता है, ऑफ टू थ्री का भी पढ़ा दिया। किसका पढ़ा दिया? सर इसलिए मेरे को आता है। अच्छा ठीक है मैम, कहाँ तक पढ़ाया डिजिटल रोल? 8 या 9 तक पढ़ा दी है। बस चलो ठीक है, लिखे बाबू 8 या 9 तक ही पढ़ाई होती। हाँ बाबू हम लोग 20 तक पढ़ेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 लेवल। सर ये तो एक महीना लग जाएगा पूरे इसको पढ़ते ही। नहीं बाबू एक महीना नहीं लगेगा, तो नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक रहबे करता, नंबर सिस्टम अलजेब्रा ये दो टॉपिक जो पढ़ लिया बाबू मन से उसका आधा मैथ खत्म हो गया, इसके बाद पढ़ाएंगे कुछ क्या चीज बाबू, इसके बाद पढ़ाएंगे। हां सर अलजेब्रा कितने दिन चलेगा? 2 मंथ। बाप रे, कंटिन्यूअस 2 मंथ बाबू आपका, बाबू आधा मंथ 2 मंथ 3 मंथ ये सब इसके स्पीड पे डिपेंड करता है, कैसे समझता है सर, सब नाम ही सुन के हड़क जाता है। अरे आसान है बाबू, एलकेजी का चीज है, एकदम आसान आसान है, एकदम चुटकी चुटकी देखोगे बन जाए। बार भी पांच ये भी चलेगा बाबू, चलेगा 7-8 दिन तो चलेगा ही, 2-3 दिन तो इसी में लगेगा, उसके बाद रोमन न्यूमरल्स पढ़ा देंगे, फिर बाइनरी डेसिमल पढ़ा देंगे, फिर से लाइनिंग आने लगा। अच्छा ठीक है बाबू लाइनिंग, अच्छा ठीक है तो रुक ही नहीं रहा सर। अच्छा ठीक है तन्नू, खाली बाबू रहेगा, अच्छा ठीक है फ्रंट कैमरा लगा देते हैं। तिरछा हो गया बाबू, सर 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? बता रहे हैं अभी, बता रहे हैं, जल्दी लिखे जल्दी लिखे, बैक कैमरा पे बताएंगे क्या बाबू? अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल, अब 7 का पढ़ेंगे, 7 का पढ़ेंगे। सर मैम ने ना हमें 7 वाला नहीं पढ़ाया डिविजिबिलिटी, डायरेक्ट 8 और 9 पढ़ा दी। अरे शैतान, हम लोग मैम छोड़ो ना बाबू, आप मैम के पीछे पड़ी हुई बाबू। सर मैम तो हट जाएंगे, आप नहीं ना हटेंगे। हाँ बाबू,
अगर आप हमारे स्कूल में भी आ गए ना तो आप तो पूरा 100 से जिस स्कूल में आप पढ़ाते हो आप उसमें आधा पढ़ाते हो या फिर ऐसे पूरे बहुत आगे तक ले जाते हो? आधा 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 स्कूल में आधा बाबू, उसके में टेंशन नहीं क्योंकि वहाँ सिलेबस ही आधा, क्या किया जाएगा, पूरा पढ़ाएंगे तो प्रेशर आएगा। हाँ फिर बच्चे प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देंगे। तो स्कूल पे आप स्कूल टीचर कितने जैसे रहते हैं और ट्यूशन पे ट्यूशन टीचर के जैसे नहीं? जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे बाबू। सर हाँ संकल्प सर, मुझे पूरा नंबर सिस्टम इजी लग रहा है, लेकिन ये देवजीती रूल भारी है। कैसे भारी बताओ, कैसे भारी लग रहा है? पीछे वाला याद करके नहीं आया, नंबर का याद ही नहीं रख पा रहा हूँ। कौन नंबर का याद नहीं रख पा रहे हो? टू का और फोर का नहीं याद रख पा रहा हूँ। नहीं याद रख पा रहा है, रुको अभी मम्मी को कहते हैं तो याद रह जाएगा। अभी मम्मी को कहते हैं, कल मम्मी को कहते हैं कि इसको टू फोर का याद नहीं हो रहा। सर ये स्कूल टीचर का क्या याद रहता है अगर वो अच्छे से पूरा पढ़ा दें तो? स्कूल टीचर का कुछ नहीं जाता बाबू, क्योंकि आपके प्रिंसिपल स्कूल टीचर को पैसे नहीं देते हैं, इसलिए टीचर बेचारा परेशान रहते हैं, इसलिए नहीं मतलब पढ़ाते हैं, सब पैसे का खेल है बाबू। आप से पैसे ले लेंगे स्कूल में तो दो दो महीने पे एग्जाम होता है, आपसे पैसे ले लेंगे और पैसे रख के एक स्कूल से दो स्कूल बनाएंगे या टीचर को पूरा पैसा नहीं देंगे, हाफ पेमेंट देते हैं। हाँ बाबू इसीलिए स्कूल के टीचर वैसे पढ़ाते हैं। बोर्ड बहुत ब्राइट आ रहा है। नो सर ज्यादा व्हाइट नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है बाबू, ये सब शैतान नहीं, पार्टी कम है तन्नू सर, फिर लाइनिंग आने लगती नहीं आएगा ब्री। चलो ठीक है चलिए, अब हम लोग डिविजिलिटी रूल बाई सेवन पढ़ेंगे, है ना? डिविजिलिटी बाई सेवन पढ़ेंगे, आसान है, एलकेजी का चीज है, किस सिलेबस है, एलकेजी का सारा है, ठीक है? देखो सेवन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बाबू, कुछ नहीं करेंगे। सेवन वाला मन से समझना, सबसे आसान सेवन का है, सबसे आसान कौन सा है? सेवन का, सबसे आसान कौन सा है? सेवन का है। फिर सेवन का, सेवन का 14 सबसे आसान किसका है? सेवन का है। यस सर। सबसे आसान किसका बाबू? सेवन का है, सेवन का है, सेवन का है। देखो सेवन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, है ना? देखो एग्जांपल समझाते हैं, एलकेजी का सबसे आसान है डिविजिबिलिटी रूल तो सेवन का, इससे आसान कोई नहीं है। एग्जांपल नंबर वन, जैसे वो मान लो 217 है, ठीक, और ये नंबर का रहा बाबू कि सेवन से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, हमको कैसे पता चलेगा सर? तो शांति से सुनना है, एक लाइन का चीज है। हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये सेवन से इसके डिविजिबिलिटी चेक करना है ना, सबसे आसान, इससे आसान कुछ नहीं, इससे आसान कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है उसको मैं दो से मल्टीप्लाई कर लेना, है ना? वो दो से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। तो यूनिट प्लेस वाला नंबर छोड़ दो, शांति से समझना, समझ में आ जाएगा, सबसे आसान, इससे आसान को है नहीं। जैसे आपको चेक करना वो 217 है, ये सेवन से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बाबू सेवन को जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, क्या है? सेवन है ना, ठीक है सर। बच क्या गया ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे शैतान समझ, बचा क्या बाबू 21, ठीक है सर। और जो यूनिट प्लस वाला नंबर है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना? दो से। यूनिट प्लस वाला जो नंबर उसको किससे मल्टीप्लाई करना? दो से। और जो नंबर बच गया 21 बच गया, इसको सबट्रैक्ट कर दो, ठीक। अगर सबट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है ना, ये 72 जा कितना 14, ठीक है, 21 और 14 सबट्रैक्ट करो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो सबट्रैक्ट करने के बाद अगर जीरो आ रहा है, शांति से सुनना है, सबट्रैक्ट करने के बाद जीरो यदि आ रहा या सेवन से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आ रहा, सेवन से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आ रहा, तो यह नंबर क्या होगा? सेवन से डिविजिबल होगा। एक बार और बताते मन से सुनना है, एलकेजी का, इससे आसान कोई नंबर नहीं डिविजिबिलिटी रूल। जैसे बाबू हमने क्या बोला, छोड़ो फिर से समझो,
इससे आसान कोई डिजिबिलिटी रोल है ही नहीं बाबू, सबसे आसान यही है ये, बाकी तो सब बाबू टफ था। देखो क्या आपको कह रहा बाबू कि 217 है, ये कह रहा है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे यूनिट यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 7 है उसमें कितना कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया सर। अब यूनिट प्लेस वाला नंबर को छोड़ दो, क्या नंबर बचा सर 21, इसको छोड़ दोगे तो बचा क्या बाबू, यही वाला नंबर बचा ना 21 बच गया सर। ठीक, तो यूनिट प्लेस वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किया 21 बच गया, ये 21 बच गया, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया इसको सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, और सबट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा ना, तो यदि जो रिजल्ट आया वह नंबर अगर 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि जो दिया हुआ नंबर था वो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, है ना, 2 से डिविजिबल होगा। तो ये 21 हो गया, 72 जा मम्मी क्या पढ़ाई है 14 पढ़ाई है, अब 21 में 14 सबट्रैक्ट करो, तो ये मम्मी सबट्रैक्शन पढ़ाई है ना कैरी वाला, हम भी पढ़ा दिए, 11 में 14 जाएगा कितना होगा, ये 11 हो गया 4 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 1 बच गया तो ये 0 हो जाएगा, कितना आ गया 7 आ गया, है ना, ठीक बाबू 7 आ गया। तो या तो 7 आ जाए चाहे 14 आ जाए, 21 28 35 7 का कोई मल्टीपल आ जाए, 7 का टेबल वाला आ जाए, तो कहेंगे यह जो नंबर है क्या है 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है ना। सारे बच्चे को समझ में, दो चार को एग्जांपल समझाते हैं आपको समझ में आ जाएगा, है ना, है ना, दो चार को समझाते आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद में डिफाइन करेंगे, है ना, ठीक लिखो, है ना बाबू, अभी लिखना नहीं, अभी समझना है। पहला नंबर एग्जांपल, जैसे 217 हो गया, इसको चेक करना कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है उसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक ठीक सर, समझना समझना, जो यूनिट प्लेस वाला नंबर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, कितना आ गया सर 14 आ गया, ठीक, जो नंबर बच गया 21 क्या हो गया बच गया, जो रिजल्ट आया इसको सबट्रैक्ट कर दो, है ना, ठीक है सर। तो 21 में संकल्प इसको कूटेंगे पकड़ के, खाली गप कर रहा है शैतान, कहता कि समझ में नहीं आता, पढ़ते बाबू का, सेवन से तो कट ही जाएगा, 7 ठीक है, पढ़ता नहीं आता, समझ में नहीं आता, ये 21 अब 14 सबट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कैसे सबट्रैक्ट करना, 21 हो गया 14 हो गया, ये सबट्रैक्ट करो, 11 में से 4 जाएगा कितना 7 हो जाएगा, और 1 हो गया कैरी इधर से जाएगा ना, तो 1 1 0 हो गया 7 आ गया, तो यह नंबर क्या हो गया 7 आ गया ना, तो यह नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। सेकंड एग्जांपल इसमें नहीं समझ में आया, सेकंड वाला में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बाबू क्या सेकंड नंबर एग्जांपल 147, शांत से समझना, जैसे 147 नहीं हो पाता है क्या कभी 7 से कोई भी नंबर, 1 में कोई नंबर, कहां बाबू शांति से क्यों नहीं सुनते हो तनु जो बताते हैं बाबू, क्या बोल रही है सर, मैं पता है मेरे को कि डिविजिबल है पर कभी कोई कोई नंबर नहीं होता है डिविजिबल 7 से, बहुत सारे नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू हम लोग 2 हो गया, हम लोग आपको क्या बोले इसकी 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, हम लोग क्या करेंगे लास्ट वाले डिजिट पकड़ेंगे, ठीक, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, लास्ट वाला जो डिजिट है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 14 आ गया, बच क्या गया सर 14 बच गया, रिजल्ट क्या है सर, ठीक है 14 हो गया, तो 14 माइनस 14 क्या हो गया 0 हो गया, है ना, तो रिजल्ट 0 आ जाए या 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाए तो कहेंगे नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, नंबर क्या होगा 7 से समग्रह, क्योंकि 5 में भी तो ऐसा होता है कि 5 से और 0 से डिविजिबल होता है, तो ऐसे ये 7 का भी लग रहा है बाबू, 5 का अलग है बाबू, 7 का अलग है, काहे नहीं समझ रहे बाबू। नेक्स्ट बाबू तन्नो 868 है, ठीक, समझती नहीं बाबू तन, खाली इधर उधर करती हूँ, 86। अब इसको चेक करना बाबू कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इससे आसान कोई है ही नहीं है, तिरजी देख लो, हम लोग क्या करेंगे जो हम बात बोल रहे हैं उसको शांति से समझो, नहीं समझ आएगा तो फिर पूछिएगा, हम लोग सबसे हाँ हम लोग क्या करेंगे सबसे लास्ट डिजिट वाला नंबर को पकड़ेंगे,
लास्ट डिजिट वाला में क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई कर देना, एट है इसमें अपने मन से दो से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया 16 आ गया। ठीक बाबू, नंबर बच गया क्या बाबू 86, ठीक बच गया 86। ठीक नेक्स्ट बाबू, जो 16 रिजल्ट आया इसको सबट्रैक्ट कर देना है ना, 86 में 16 सबट्रैक्ट करना तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 86 में इधर है ना 16 सबट्रैक्ट करो, 0 हो गया, 7 हो गया, 17 आ गया। 17 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता, क्या हुआ रहा है सर, आपका सबका ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक कहाँ दिख रहा है बाबू, मुझसे दिख रहा बस कट के आ रहा है। अच्छा ठीक है, आप फिर से कनेक्ट करो, ठीक है लिखे नहीं बाबू, लिखोगे क्या, लिखा है ये नंबर क्या होगा, वो 7 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा ना, 7 से क्यों सर, 70 आ गया तो 7 के टेबल में 70 आता है ना, तो ये नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा वो डिविजिबल हो जाएगा है ना। अब हम इसको लिटरेचर में लिखा देते बाबू है ना, समझना। सानवी वीडियो का बंद हो गया बाबू, सानवी ठीक, नेक्स्ट बाबू इसको लिटरेचर में लिखा देते, डिफाइन कर देते हैं इफ द डिफरेंस बाबू, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, इफ द डिफरेंस बाबू, इफ द डिफरेंस बाबू बिटवीन बिटवीन ट्वाइस लिखे 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 बाबू, इफ द डिफरेंस बिटवीन बाबू, इफ द डिफरेंस बिटवीन बाबू बिटवीन और ट्वाइस द वंस डिजिट ट्वाइस क्या बाबू, हाँ लिखे लिखे एंड बाबू नंबर फॉर्म फॉर्म बाय अदर डिजिट, अच्छा ठीक है अदर डिजिट समझी सानवी, अदर फॉर्म बाय अदर डिजिट इज बाबू 0 और डिविजिबल बाय 7। आप लोग म्यूट करके रखो, वो किसका अनम्यूट है, आरव का म्यूट, चिया हाय बाबू, हाँ बाबू ठीक हो, चलो वीडियो ऑन करो, तनु बाबू वीडियो ऑन कीजिए, सत्यम ये सब शैतान है, वीडियो बंद बंद, तनु बाबू ऑन कीजिए। यस सर मैं अभी लिख रहा हूँ। हाँ तो ऑन कीजिए डिविजिबल बाय 7 बाबू, देन द नंबर, सर आज तो मैं शैतानी कर भी नहीं सकती, आज तो मम्मा बैठी है साथ। अच्छा अच्छी बात है, देन द नंबर्स बाबू, देन द नंबर नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो इससे आसान कोई है ही नहीं बाबू, सबसे आसान यही है डिविजिबिलिटी रूल में, समझ में आया चिया कि नहीं बाबू, समझे सर, समझी समझ गई ना, चलो ठीक है, तेज हो जाओगी ना सिस्टर से, अपनी सिस्टर से, हाँ सिस्टर भी है आ गई वापस इंस्टीट्यूट से, अच्छी बात है, चलिए मैथ वो भी 6 से 7 कर लेगी तो बेसिक वगैरह मैथ स्ट्रांग हो जाएगा सर, मुझे समझ में नहीं आया चिया, वो उसका ग्राफ स्ट्रांग है बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिजिक्स में 11 में पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, 11 12 में सिलेबस मिला के आता है ना, अच्छा है ना, तो 7 से 8 पढ़ाएंगे, 7:30 to 8:30 पढ़ाएंगे, आज ग्राफ पढ़ाएंगे, 9 और 11 का सिलेबस सेम है लगभग, 7:30 to 8:30 मुझे क्या पढ़ाएंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्लास 9 वाले स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, ग्राफ पढ़ाएंगे, अच्छा आपकी सिस्टर चाहे तो अटेंड कर सकती है सर, मेरा में भी तो है सर्कल ग्राफ एंड बार ग्राफ, वो ग्राफ नहीं बाबू, फिजिक्स का ग्राफ है, फिजिक्स का वेलोसिटी का क्या होता है, आएगा आएगा, अभी आप लोग थोड़ा बर्दाश्त करो, ठीक है ना, आएगा सारा चीज आएगा, और सर डन ठीक है, डन डन सर,
वेरी गुड बाबू, जल्दी लिखे जल्दी लिखे बाबू। हेलो सर। हाँ बाबू बोलिए। सर ये मुझे समझ में नहीं आया। 8:30 बजे समझ लीजिएगा। उसने 8:30 बजे क्या पढ़ा रहे हैं? यही चीज पढ़ा रहे हैं। लिख ले बाबू। चिया काहे वीडियो बंद हो गया था बाबू? तन्नू बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सर वो भी ले लिखा सर, जो आप 86 - 16 लिखे हैं वो। हाँ लिख ली, लिख लीजिए। अनामिका सो रही बाबू? अनामिका नो सर। चलो ठीक है, लिख गया पूरा। तनु ऑन करोगी बाबू? तनु बाबू ठीक है। चिया एग्जाम्पल कहाँ लिखी बाबू? चिया बाबू पीछे वाले पेज में। ऐसे कौन पढ़ाया था बाबू? डिफाइन यहाँ की है, एग्जाम्पल वहाँ लिखोगी। ये कौन पढ़ाए बाबू? आई वाई दे दीजिए। ये कौन राइटिंग है? हद कर दीजिए। यहाँ पे स्पेस नहीं बची थी ना। अरे मेरे लाल, ये तो पूरे गलत लिखी है बाबू। ऐसे तनसान रहो, डिफाइन यहाँ की है बाबू। अब एग्जाम्पल लिखोगे पीछे वाले पेज में, तो रिवाइज किसे करोगे? जहाँ डिफाइन किए हैं ये देखो, आप गलती क्या किया जब हम समझा रहे थे तो आप लिखने में बिना दिया। ऐसे तन रुको ना, मेरा तरीका क्या है वो पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको डिफाइन कर देते हैं। अरे शैतानी की होगी, पहले लिखना शुरू कर दी होगी। कोई भी अगर आपका कॉपी देखे बहुत, आप मेरा भी नाम खराब कर दोगे, अपने पेरेंट्स का भी नाम खराब कर दोगे। ऐसे पढ़ाने का कौन तरीका? डिफाइन किए यहाँ और एग्जाम्पल नीचे लिखे। अच्छा मैं एक बार नीचे भी लिख ले रही एग्जाम्पल। आप करते सारा ऐसे करते हो क्या बाबू? नहीं नहीं सारा नहीं सर, वो तो इस बार पेज खत्म हो गया था, वरना मैं तो पहले सारी सबकी डेफिनेशन 1 से लेकर मेरा 5 तक एकदम एग्जांपल नीचे ही लिखा, लेकिन अभी 6 और 7 के भी खत्म हो गया था। पेज खत्म हुआ तो इस साइड पेज टर्न होता है ना बाबू, इस साइड टर्न होता। मान लो ये पेज मेरा पूरा फिनिश हो गया तो इस साइड टर्न होगा ना, इस साइड लिखेंगे कि कॉपी ही खत्म हो गया। नहीं नहीं अभी पेज तो बचे हैं। हाँ तो फिर राइट डाउन कीजिए जल्दी से। डन सर। वेरी गुड बाबू। बच्चे नियन लिखती है बाबू। चिया लिख ली तन्नु? तन्नु यस सर, प्लीज सर डी आई वाई दे दीजिए। अच्छा ठीक है, डी आई वाई दे देते हैं। कर दीजिए सर, टाइम ओवर हो गया, हम लोग का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कई बार लिख ली। अच्छा ठीक है, समझ में आया तन्नु बाबू? हेलो सर। आप पढ़ते सर बोलिए। सर मेरा डी आई वाई दे रहे हैं। डी आई वाई दे रहे हैं क्योंकि सर मेरे डांस क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ बाबू ठीक है, डांस क्लास का टाइम हो रहा। तन्नु समझी बाबू कि नहीं समझी तन्नु? मन से पढ़ना तन्नु, और आगरा में फेमस हो जाना। आगरा में कोई है तो तन्नु है, जो जिस स्टेट के है बाबू उसी स्टेट में फेमस है पहले, उसके बाद बाबू इंडिया में होंगे। उड़ीसा पे तो बहुत सारी शालनी है, बहुत सारे। अच्छा ठीक है वो पढ़ाई कीजिए खाली बातें बोलो। चेक द डिविजिबिलिटी रूल बाबू, क्या लिखा रहे सर? डी आई बाई दे रहे हैं। चेक द डिविजिबिलिटी बाबू ऑफ द गिवन नंबर, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर बाय बाबू किससे चेक करना है? 2 से 3 से कैसे चेक करो आप? जैसे किसी 4 से 5 से 6 से 7 से सर हमें टिक टिक करना है। हाँ टिक टिक करना है। 2 से भी चेक करना है, 3 से भी करना है, 5 से भी करना है, 6 से भी करना है, 7 से भी करना है, जितना पढ़ाएंगे सारा चेक करना।
क्या सर? कैसा? नहीं तो बाबू खाली 6-7 का देंगे तो पीछे वाला भूल जाओगे। नेक्स्ट बाबू एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे 1 2 1 है, इसको चेक करना है ये 2 से होगा कि नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, 4 से, 6 से 7 से। सेवन तक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 7 तक पढ़ाए हैं इसलिए 7 तक दे रहे हैं, और कुछ? हाँ तो फिर 9 6 5 है, 2 से डर लगता। सर कहाँ, सर कल कहाँ कहाँ मिलने जाएंगे? कल पीटीए में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, कल बहुत काम है हमको, अपना हेयर कट करना है, ठीक है ना बाबू? बहुत दिन से देखते हो टाइम नहीं मिलता, तो कल नहीं जाएंगे कहीं। क्या करना है आपको? अरे बाबू देख दो ना बाल बाबू, ये हो गया चले जाइए तो जाएंगे। हाँ बाबू बहुत खराब लगता है। हर एक संडे तो आप लोग के पास चल जाते हैं बाबू, हर एक संडे आप लोग के पास चल जाते, क्या करें, टाइम ही नहीं बचता। कल आप लोग का पीटीए में, ठीक है ना? शांति से रहिए, पढ़िए चुपचाप। सर बहुत गोल गोल बातें करती है, ये सबको कहानी करने कहो सर, खाली ये सबको बातें करने कहो ना बहुत, कहानी में तो महारत हासिल है। तारा ब्रांड दीजिए ना बाबू, कल संडे है, कल आप लोग का छुट्टी है। सर कल संडे है तो फिर हम कैसे बनाएंगे अपना होमवर्क? अच्छा पाप पाँच ही देते, छोड़ देते, रो मत। चलो ठीक है बाबू, क्या बाबू कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना? हाँ बाबू सर, हाँ बाबू, बाय बाय बाबू। सेवन वाला और ज्यादा सिंपल है, बस उसमें मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो भी नहीं किया। बाय बाय बाबू।